हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडसइंड बैंक शेयर के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कुछ सवालों के आंसर जवाब देंगे, जैसे कि ये शेयर के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, अभी जो प्राइस है इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही मौका है कि नहीं। हमें ये जो इंडसइंड बैंक है, ये जो शेयर है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है कि नहीं, ये शेयर मल्टीबैगर शेयर बन सकता है कि नहीं, तो ये सारे सवालों के जवाब हम इस शेयर के इस वीडियो के अंदर हम लोग देंगे। तो गाइस, ये एक लार्ज कैप शेयर है, इसका मार्केट कैप है 37,000 करोड़ रुपीस का। मॉडरेट रिस्क है, प्राइवेट बैंक सेक्टर में आता है ये। तो ये बैंक बेसिकली सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट और ये बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। होम लोन और रिटेल बैंकिंग में थोड़ा सा ये काम करता है, कॉरपोरेट बैंकिंग में भी ये काम करता है गाइस। तो ये इसका काम है, बेसिकली सिंपल बैंकिंग प्रोसीजर है। अगर हम देख लेते हैं 1 महीने के रिटर्न इस बैंक के, तो 1.6% के रिटर्न है। 1 ईयर का अगर हम देखें तो गाइस 60% का लॉस दिखा रहा है। अगर एक साल पहले किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो गाइस इसके अंदर अराउंड 60% का लॉस उसको हो जाता। यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो 1200 के लेवल पे था ये, और ये मार्च में इसमें डाउनफॉल आया और ये इंडसइंड बैंक में इसके अंदर काफ़ी लॉस हुआ। 5 साल की बात करें हम लोग तो 5 सालों के अंदर 38% का लॉस यहाँ पे दिखा रहा है गाइस। एफडी से काफ़ी अच्छी रिटर्न देता है ये बैंक, बैंक काफ़ी अच्छा है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेते फोरकास्ट में क्या डिटेल्स है। तो गाइस, 48 एनलिस्ट ने इसके अंदर रिव्यू किया हुआ है और 63% एनलिस्ट ने इसको बाई की रेटिंग दी हुई है। फाइनेंशियल के इसमें अगर हम देखते हैं तो गाइस, ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथ जो है इंडस्ट्री एवरेज से को बीट कर रहा है। मार्केट जो है इसका वो बढ़ा है, मार्केट शेयर। ये नेट इनकम जो है वो भी एक्चुअली ईयर ऑन ईयर वो बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो दो हर 3 साल के अंदर ईयर ऑन ईयर इनकम जो है ये काफ़ी अच्छे बढ़ा है। तो बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखें तो वो ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा घटाया हुआ है। प्रमोटर के पास बहुत कम एक्चुअली होल्डिंग है इसकी, ज़्यादातर होल्डिंग इसकी फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। मेरे ख्याल से फॉरेन इन्वेस्टर के पास होल्डिंग होने की वजह से ही ये शेयर ज़्यादा गिरा होगा गाइज। यहाँ पे अगर देख सकते हैं हम लोग देख लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टर ने उनकी रेटिंग ये कम किया है या बढ़ा है। तो हम लोग देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ा सा जो सेलिंग किया हुआ है, ज़्यादा सेलिंग नहीं किया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग जो है इसकी फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग इसके अंदर है गाइस। तो मेरे ख्याल से ये जो शेयर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंगमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया शेयर है एज ऑफ नाउ, ऐसा मुझे लग रहा है। इंडसइंड बैंक ये बढ़िया पीक है गाइस। अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंडसइंड बैंक एक बहुत ही बढ़िया शेयर है गाइस। इसके अंदर काफ़ी अच्छा पैसा आप लगा सकते हैं और आपको नियर फ्यूचर में काफ़ी पैसा मिल सकता है गाइस। तो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया बैंक है। अगर हम इसका 5 साल का ग्राफ देखते हैं तो गाइस हमें ये दिख रहा है कि ये 2000 के लेवल पे गया था, फिर इसके बाद इसमें गिरावट चालू हो गई और ये 2020 आते आते इसके अंदर 1300 के लेवल हमें देखने को मिले, एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में दिखा है। मगर मुझे ऐसा लगता है इस साल में इस लेवल पे अगर हम इसको परचेस करें तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे लेवल पे। इसका पी रेशो भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा है, 8.83, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इंडस्ट्री पी अगर हम बात करें तो 21 का है, इसका पी रेशो 8 का है,
तो अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। पीयर की हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं पीयर्स के साथ, तो HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक, इन सब से इंडसइंड बैंक का जो PE रेशियो है वो काफ़ी कम है। तो मुझे काफ़ी होप है कि आने वाले 5-6 महीनों के अंदर इसमें हमें अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं एक्चुअली एक बेस्ट बाय बोलूँगा, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए गाइस। तो मेरे तरफ से बिल्कुल हाँ है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई शेयर के अंदर लॉस हो रहा है तो गाइस आप इस शेयर को ना बेचिए, इसको होल्ड कीजिए और आप इस शेयर के अंदर बने रहिए गाइस, क्योंकि एज सच कोई निगेटिव बातें इसके अंदर एज सच अभी तो नहीं दिख रही है। कोविड के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही है गाइस, तो मगर वो थोड़े दिनों बाद जब कोविड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मुझे लगता है आपके जो लॉसेस हैं वो बिल्कुल कवर हो जाएंगे गाइस। सॉरी, तो ये है मेरा रिव्यू इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।